हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट ऑफ इन्वेंटरीज। इसके पहले मैंने चार पार्ट्स अपलोड कर दिए, जिसमें एसर्शंस क्या है, कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी क्या है, और उसके बाद हमने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, सेल्स, अदर इनकम और परचेस का ऑडिट कैसे करेंगे वो हमने समझ लिया है, और साथ में हमने कारो 2020 की क्लोज 1 और क्लोज 8 को भी समझ लिया है। होपफुली वो सारे ही आपने समझ लिए होंगे, देख लिए होंगे वो सारे ही वीडियोस। जो सेल्स और परचेस जो हमने प्रीवियसली जो पार्ट हमारा 3 और 4 में हमने डिस्कस किया था, उससे जुड़ा हुआ ये पार्ट है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज में भी गुड्स परचेज या फिर सेल होता है, तो उसकी इम्पैक्ट इन्वेंटरीज पर भी आती है। तो इसीलिए परचेस और सेल्स अगर आपने अच्छे से देख लिया, तो ये ऑडिट ऑफ इन्वेंटरीज देखने में आपको ज्यादा मजा आएगा, आपका कॉन्सेप्ट से वो ज्यादा क्लैरिफाई किए जाएंगे, राइट? तो चलिए समझते हैं ऑडिट ऑफ इन्वेंटरीज जो दिया हुआ है आपको पेज नंबर 5.50 पर। इन्वेंटरीज जो भी गुड्स है, रॉ मटेरियल है जो प्रोडक्शन में यूज होने वाले हैं, वर्क इन प्रोग्रेस सेमी फिनिश गुड्स है या फिर फिनिश गुड्स है या फिर स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स, कंज्यूमेबल्स, वो सारी चीजें इन्वेंटरीज स्टॉक में कवर अप होती है। जो प्रॉफिट एंड लॉस में भी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसकी इम्पैक्ट आती है, और तो और बैलेंस शीट में भी उसकी इम्पैक्ट आती है। ये करंट एसेट्स है तो इसका ऑडिट करना नेसेसरी चीज बन जाएगी, राइट? तो चलिए इसके बारे में हम इन डिटेल समझते हैं। Inventories are assets held for sale in the ordinary course of business. Ordinary course of business में जो sell करने के लिए रखा हुआ है, that is finished goods या stock in trade जो भी है, वो inventory का part होगा। In the process of production for such sale, जो sell करना है उसके, ये जो production process के अंदर है, मतलब कि semi finished goods या फिर WIP, और in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services, या फिर कोई ऐसा मटेरियल है जो प्रोडक्शन या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विस में यूज होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, राइट? तो रॉ मटेरियल, स्टोर्स, कंज्यूमेबल्स वगैरह हो, वो भी इन्वेंटरीज का पार्ट बन जाएंगे। एज पर एस टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, राइट? ये आपने एस टू में पढ़ा होगा कि जो इन्वेंटरी है वो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो लोअर हो उसके ऊपर वैल्यू किया जाता है, क्योंकि हम कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं अकाउंटिंग। The basis for valuation shall be applied consistently year on year. ये जो भी valuation का method use करते हैं वो year on year basis पर consistently follow होनी चाहिए, क्योंकि consistency भी हमारा एक fundamental accounting assumption है। Any change in accounting policy shall have adequate disclosures in financial statement. और अगर वो change कर रहे हैं तो उसका proper disclosure financial statements में होना चाहिए, राइट? ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है accounts वगैरह में, foundation में भी आप पढ़ते थे, तो ये फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये इग्नोर कर सकते हैं। अब इसकी ऑडिट प्रोसीजर हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर समझाया है। सबसे पहला जो हमारा असम्पशन है, टू एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंटरीज एज एट द पीरियड एंड, हमें एग्जिस्टेंस है वो चेक करना है इन्वेंटरी का, कि इन्वेंटरी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसके लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर बनेगी, राइट? ये जो सारे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन असम्पशंस रहेंगे वो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये ऑडिट प्रोसीजर आपका आंसर, मैंने आपको सारे ही ऑडिट में ये समझाया हुआ है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, राइट? और हाँ, और एक बात कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर है ना, उसमें आप देखिए तो यहाँ पर रिव्यू है, एंश्योर है, फिर टेस्ट है, राइट? तो वो सारे चीजें जनरली ऐसे सारे वर्ब्स का यूज किया जाता है जब भी हम ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आंसर करते हैं, तब टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, वाउचिंग, इंक्वायर, ऑब्जर्व, वेरीफाई, राइट? ऐसे सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, रिव्यू है, एंश्योर है, अश्योर है, राइट? तो वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसको आपको ध्यान में रखना है, और जनरली उसी सभी ऐसे सारे वर्ड्स वर्ब्स का ही आपको यूज करना चाहिए जब भी आपको ऑडिट प्रोसीजर क्या करनी है वो पूछा जाए तब, राइट? आपने आगे के जो हमने ऑडिट के पार्ट्स कवर अप किए उसमें भी ये सारे वर्ब्स आपने देखे होंगे, और आगे जो हम करेंगे ऑडिट उसमें भी आपको ये सारी चीजें मिलेगी, तो आपको वो ध्यान में रखना है। आपके आंसर में भी जब ऑडिट प्रोसीजर आपको लिखनी है तब ऐसे सारे वर्ब्स का आप यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस अगर हमें चेक करना है इन्वेंटरी का, तो हमने SF501 इन डिटेल समझा हुआ है, राइट? जिसमें हम स्पेसिफिकली इन्वेंटरी का एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करते हैं, उसके लिए स्पेसिफिकली कंसिडरेशन दिया जाता है, ऑडिट एविडेंसेस लेने के लिए एम्फेसिस किया जाता है बाय स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग। तो इन्वेंटरी का वेरिफिकेशन करना, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होना काफी जरूरी चीज है, जनरली वो ईयर एंड पर की जाती है, बट वो 100% ऑडिटर नहीं करते हैं, वो मैनेजमेंट जो भी इन्वेंटरी काउंटिंग का प्रोसेस करते हैं उसमें ऑडिटर है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टेस्ट काउंट कर सकते हैं, राइट?
और देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का जो स्टाफ है वो उन्होंने उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिली है रिगार्डिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं या नहीं वो हमें देखना होगा राइट तो वो सारी चीजें देखेंगे। इन्वेंटरी है उसमें एक ही इन्वेंटरी या स्टॉक आइटम्स है वो दो बार ना गिनवाले, टैगिंग प्रॉपर है या नहीं, वो प्रॉपरली स्टैक की है या नहीं, उसकी कंडीशन कैसी है, अगर ऑब्सोलेट हो चुकी है अब वो नॉन यूजेबल है तो उसकी वैल्यू राइट ऑफ करनी है या नहीं, अप्रूवल लेना, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर अप होगी, वो हमें एग्जिस्टेंस के टाइम पर चेक करना रहेगा। सबसे पहले जो प्रोसीजर के लिए दिया है रिव्यू एंटिटीज प्लान फॉर परफॉर्मिंग इन्वेंटरी काउंट, मैनेजमेंट का इन्वेंटरी काउंटिंग का प्रोसीजर क्या है, वो किस तरह से प्लान कर रहे हैं वो हमें समझना होगा, कितने इंटरवल पर वो चेक करते हैं। Ensure that consigned goods have been segregated. Consigned goods, consignment पर अगर कोई भी goods मिले हैं, right? मतलब कि वो entity की ownership नहीं है उसके ऊपर, तो वो अलग होने चाहिए, वो inventory का part नहीं होगा। Auditors should participate in the inventory count with the management. Management जब भी inventory count करेंगे तो auditor को भी उसमें participate करना चाहिए at least once in a year. और वो जनरली ईयर एंड के आसपास किया जाता है, 31st मार्च या 1st अप्रैल को वो जनरली परफॉर्म किया जाता है। Test counts of inventory by auditor should include observing employees are adhering to the agreed plan. अब हम जो भी test count करेंगे, जो inventory counting में हम participate करेंगे, तो वहाँ पर क्या करेंगे? जो भी management के staff को जो भी plan दिया है, procedures बताई है, instructions दी गई है, उनको adhere कर रहे हैं या नहीं, उनको follow कर रहे हैं या नहीं, वो हमें देखना होगा। Assuring that there is appropriate supervision on the count of काउंट प्रोसीजर, जो काउंट प्रोसीजर हो रही है उसमें प्रॉपरली सुपरविजन हो रहा है, स्टाफ जो गिन रहा है उसके ऊपर सुपरवाइज भी हो रहा है या नहीं, वो हमें देखना है। अश्योरिंग दैट ऑल आइटम्स आर प्रॉपरली टैग्ड, जो भी आइटम्स है इन्वेंट्री की वो प्रॉपरली टैग्ड होनी चाहिए, क्योंकि तभी पता चलेगा कि ये इन्वेंट्री कौन सी है, क्योंकि कई बार उस पर अगर नाम नहीं लिखा है, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो उसे जज करना थर्ड पार्टी के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है। जो पर्सन स्टोर्स हैंडल करते हैं उनको सब कुछ पता होगा शायद, कि वो सारी ही चीजें पहचानते होंगे, बट और कोई पर्सन को वो ढूंढना होगा, वो समझना होगा, देखना होगा, तो वो डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए टैग होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि वो बराबर है। और इवन कोई आइटम दो बार या फिर कोई आइटम हमें नहीं गिनवा रहे ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, वो भी हम अश्योर कर सकते हैं। ऑब्जर्विंग दैट प्रॉपर अमाउंट्स आर शोन ऑन टैग्स, टैग्स के ऊपर कई बार अमाउंट्स भी होती है कि इन्वेंटरी की वैल्यू कितनी है, तो वो प्रॉपर है या नहीं, वो भी हमें देखना होगा। डिटरमाइनिंग दैट टैग्स एंड समरी सीट्स आर कंट्रोल्ड एंड रिकंसाइल्ड, वो टैग्स या फिर समरी सीट्स की ये कितनी आइटम अभी अवेलेबल है, राइट, ओपनिंग कितना था, इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ और क्लोजिंग कितना है, वो कोई समरी सीट अगर अवेलेबल है तो वो प्रॉपर है या नहीं और वो रिकंसाइल्ड होती है या नहीं, वो हमें देखना होगा। Reconciliation of test counts with tags and summary sheets and discrepancies noted if any are summarized and agreed with client personnel. हमें जो physical verification test count किया वो और जो summary sheets या फिर tags वगैरह है जिसमें inventory count लिखा हुआ है तो वो हम match करेंगे, और उसमें अगर differences है तो हम client personnel के साथ match करेंगे कि भाई हाँ ये इतना है, उनका भी agreement होना चाहिए। इसीलिए जनरली जो हम इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं तो उनका जो रिपोर्ट होता है उसके ऊपर क्लाइंट की भी साइन लेते हैं और हम भी साइन करते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी एग्री करने चाहिए, उनका भी एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। स्टेइंग अलर्ट एट ऑल टाइम्स एंड स्पेसिफिकली बीइंग कॉशियस अबाउट एम्प्टी बॉक्सेस एटसेट्रा एंड ऑब्सोलेट आइटम्स, हमें अलर्ट रहना है क्योंकि इन्वेंटरी काउंटिंग में वो कुछ गलत कर सकते हैं। एम्प्टी बॉक्सेस है उनको भी गिनवा देंगे कि भाई ये एम्प्टी बॉक्स है उनके अंदर 10 आइटम पड़ी हुई है, वो हम खोलेंगे तो प्रॉब्लम होगी या फिर ऐसा कुछ बता देंगे, राइट, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई ऊपर चढ़ा हुआ है, राइट, वो रैक वगैरह में बहुत ही ऊपर है तो वो निकालेंगे नहीं, बता देंगे कि ये बॉक्स के अंदर 10 आइटम्स पड़ी हुई है और वो आपने गिन लिया, हो सकता है कि वो बॉक्स एम्प्टी बॉक्स है उसमें कुछ हो ही ना, तो वो आपको ध्यान रखना होगा, राइट। ऑब्सोलेट आइटम है जो अभी यूज नहीं होने वाली है, नॉन मूविंग या स्लो मूविंग आइटम है, तो वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि उससे वैल्यूएशन है इन्वेंटरी है वो ओवरस्टेटेड होगा, उसकी वैल्यू हमें रिड्यूस करनी है, वो राइट ऑफ करवाना जरूरी होगा, तो ऑब्सोलेट आइटम या एम्प्टी बॉक्सेस है तो तब हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसी कुछ गलत चीज ना हो। परफॉर्मिंग कट ऑफ टेस्टिंग बाय डॉक्यूमेंटिंग लास्ट 5-10 रिसीविंग रिपोर्ट्स एंड शिपिंग डॉक्यूमेंट्स एज ऑफ द पीरियड एंड, कट ऑफ प्रोसीजर हम करेंगे कि जो लास्ट में 5-10 ट्रांजेक्शन हुए हैं इन एज वेल एज आउट, राइट, रिसीविंग रिपोर्ट एज वेल एज शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, तो वो हम चेक करेंगे ताकि पता चले कि सब कुछ प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है।
एंश्योरिंग एक्सक्लूजन ऑफ थर्ड पार्टी स्टॉक एंड डैमेज्ड और ऑब्सोलेट स्टॉक. थर्ड पार्टी का स्टॉक अगर एंटिटी की प्रीमाइसेस में है तो वो हमें इन्वेंटरी काउंट में कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि उसकी ओनरशिप एंटिटी की नहीं है, तो वो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज इन्वेंटरी नहीं दिखा पाएंगे. तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या हमारे इन्वेंटरी काउंट में नहीं आना चाहिए. और ऑब्सोलेट आइटम है तो उसको भी अलग से कंसिडर करना होगा, उसकी वैल्यू राइट ऑफ करवाई, वो हमें ध्यान में रखना है. एंश्योरिंग दैट अकाउंटिंग ऑफ ऑल स्टॉक सीट्स, जो स्टॉक की सीट्स अवेलेबल है वो सब कुछ अकाउंटिंग हो चुका है, वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो हमें देखना होगा. इन्वेस्टिगेटिंग एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल स्टॉक टैग एंड द स्टॉक रिकॉर्ड्स एज पर बुक्स. जो डिफरेंसेस अगर है फिजिकल अकाउंट और जो स्टॉक का रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं उसमें अगर कुछ भी है वो सिग्निफिकेंट है तो वो क्यों हुआ, डिफरेंसेस राइट, वो हमें ध्यान में लेना होगा. क्लाइंट पर्सनल को पूछना होगा, इंक्वायरी वगैरह करेंगे. फर्दर द ऑडिटर शुड आस्क द एंटिटीज पर्सनल टू साइन ऑल स्टॉक काउंट सीट्स एंड ऑल्सो एग्री द वेरियंस इज ऑब्जर्व इफ एनी टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट. जो मैंने आपको आगे बताया राइट, कि जो भी स्टॉक काउंट करेंगे तो उसके जो सीट्स होगी, रिपोर्ट्स होंगे राइट, वो सारी चीजें क्लाइंट पर्सनल भी साइन करेगा, हम भी साइन करेंगे, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो. व्हेन द एंटिटी यूजेस पीरियोडिक सिस्टम फॉर इन्वेंटरी काउंट इट शुड be undertaken at the end of the period. If the entity uses perpetual system with proper and adequate records, inventory may be counted at interim dates. Inventory record करने के लिए दो system हो सकती है, perpetual as well as periodic system. Periodic system में क्या होगा कि day-to-day inventory count, day-to-day inventory movement है वो record नहीं किया जाएगा, but periodically वो physically देखा जाएगा और कितनी inventory है वो just record किया जाएगा, कि भाई आज हमें जितनी physical verification में मिली inventory उतनी inventory financial statements में दिखाएगा. Perpetual system में जितना भी in हो रहा है जितना भी out हो रहा है वो सारी चीजें record की जाएगी, तो वो हमें देखना होगा कि वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं. तो पीरियोडिक सिस्टम में क्या होगा कि जो जनरली ईयर एंड के आसपास, ईयर एंड के टाइम पर ही हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाना होगा. परपेचुअल सिस्टम में हम कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम में 5th अप्रैल को गए तो 5th अप्रैल को जो रिकॉर्ड में दिखा रहा है क्या वो फिजिकली है या नहीं वो हम देख लेंगे, तो भी हम सेटिस्फाई हो सकते हैं कि इन्वेंटरी एक्जिस्ट करती है राइट. बट पीरियोडिक सिस्टम में कोई भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो जो फिजिकली जो अवेलेबल है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा, इसीलिए फिजिकल वेरिफिकेशन करना ईयर एंड के आसपास जरूरी बन जाएगा. परपेचुअल में कभी भी कर सकते हैं, इंटरिम डेट को भी कर सकते हैं. ये आपको एज एमसीक्यू या कुछ अलग से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से. कंफर्म और इन्वेस्टिगेट एनी इन्वेंटरी ऑफ द एंटिटी लाइंग विद थर्ड पार्टी स्पेसिफिकली रिलेवेंट फॉर केसेस वेयर द एंटिटी गेट्स जॉब वर्क डन इन इट्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. अगर एंटिटी की कोई भी इन्वेंटरी है वो थर्ड पार्टी के पास है तो वो भी एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसके लिए भी प्रोसीजर करनी जरूरी है. वो हमने ऐसे 501 में भी देखा था, उसके लिए हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर ले सकते हैं या फिर हम उनके पास से वहां पर जाकर इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, या फिर दोनों ही कर सकते हैं जरूरी लगे उस हिसाब से. तो यहाँ पर भी वही चीज आएगी कि अगर थर्ड पार्टी के पास है, जॉब वर्क वगैरह के लिए है, रिपेयर वगैरह के लिए है, तो वो इन्वेंटरी है या नहीं उसके लिए हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं, एज वेल एज हम इंस्पेक्शन करने भी जा सकते हैं अगर जरूरी लगेगा तो. दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है. तो ये एग्जिस्टेंस के लिए था. एग्जिस्टेंस के लिए अगर आपको इन जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन्वेंटरी के लिए तो आप ये सारे ही पॉइंट्स लिख सकते हैं, बट अगर स्पेसिफिकली टेस्ट काउंट्स में आप क्या करेंगे तो ये जो पॉइंट्स है यही सारे आपको पॉइंट्स लिखने होंगे. सबसे पहले तो हमें रिव्यू करना होगा कि एंटिटी का प्लान क्या है इन्वेंटरी काउंट के लिए राइट. एंटिटी का प्लान हमें समझना होगा राइट. सेकंड कंसाइंड गुड्स है राइट, तो वो अलग होने चाहिए. फिर हमें टेस्ट काउंट के लिए पार्टिसिपेट करना होगा, उसमें हम क्या देखेंगे, हमें ये देखना होगा कि जो एम्प्लॉय है फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो जो इंस्ट्रक्शन से प्लान है उसको एधर कर रहे हैं या नहीं, फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वो हमें देखना होगा. फिर हमें अश्योर करना होगा कि सुपरविजन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं वो फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर राइट. फिर जो भी सारे ही आइटम्स है वो टैग्ड है या नहीं वो हमें देखना होगा. अमाउंट से वो टैग में बराबर है या नहीं, टैग्स और जो समरी सीट्स है वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड और रिकनसाइल्ड होती है या नहीं वो हमें देखना होगा. फिर हम रिकनसिलिएशन करेंगे, टेस्ट काउंट्स जो हमने की और वो जो समरी सीट्स या टैग्स में जो इन्वेंटरी काउंट था वो दोनों को हम रिकनसाइल करेंगे. हमें अलर्ट रहना होगा कि एम्प्टी बॉक्सेस या फिर ऑब्सोलेट आइटम्स हमें ना दिखा दे. फिर हमें कट ऑफ प्रोसीजर भी करनी है, जो लास्ट फ्यू ट्रांजेक्शन है ऑफ रिसीविंग एज वेल एज ऑफ शिपमेंट वो हम देखेंगे.
थर्ड पार्टी के गुड्स हो या फिर डैमेज्ड और ऑब्सोलेट गुड्स हो, उसे हमें एक्सक्लूड करना होगा। अकाउंटिंग जो होगा राइट स्टॉक्सिट्स का, वो सारी सारी स्टॉक्सिट्स का अकाउंटिंग हो जाए और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। और अगर डिफरेंसेस मिले हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है, तो वो इन्वेस्टिगेट इंक्वायर हमें करना होगा। और जितनी भी स्टॉक्सिट्स काउंट सीट है राइट, उसके ऊपर साइन होना चाहिए क्लाइंट पर्सनल का, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हमें दिया है कि परपेचुअल सिस्टम या पीरियोडिक सिस्टम है, उस हिसाब से कब हमें इन्वेंट्री काउंट करना चाहिए वो पता चलेगा। पीरियोडिक सिस्टम है तो ईयर एंड के ऊपर ही हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाना होगा, बट अगर परपेचुअल सिस्टम है तो इंटरिम डेट पर भी जा सकता है राइट। एंड हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि कंफर्मेशन लेना है जब भी थर्ड पार्टी के पास अगर गुड्स हो तो एंटिटी का, तो कंफर्मेशन ले सकते हैं या फिर इंस्पेक्शन करने भी जा सकते हैं। ये था एग्जिस्टेंस के बारे में। हमारा सेकंड एसर्शन है, Only the inventories held by entity have been recorded in the financial statements and do not include any inventories that belong to third parties, but does include inventories owned by the entity and lying with the third party. That is completeness. जितनी भी inventory entity की है वो सारी की सारी record होनी चाहिए. Perform analytical procedures, comparison, test with industry averages, budgets, prior years, trend analysis, etc. हम एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं और उसमें कंपैरिजन है वो इंडस्ट्री के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ, बजट वगैरह के साथ कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजन किस किस के साथ हो सकती है वो इन डिटेल हमने SF520 चैप्टर 4 में समझा हुआ है। अब क्या क्या एनालिटिकल प्रोसीजर हो सकती है, कंप्यूट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितने टाइम में वो इन्वेंटरी है वो सेल हो जाती है। परफॉर्म वर्टिकल एनालिसिस, इन्वेंटरी टू टोटल असेट्स, टोटल असेट्स का पार्ट कितना पार्ट इन्वेंटरी का है। कंपेयर बजटरी एक्सपेक्टेशन विजेविस एक्चुअल, बजटरी एक्सपेक्टेशन क्या थी और एक्चुअल क्या हुआ है, उनमें क्या डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इस तरह से एनालिटिकल प्रोसीजर हो सकती है। टर्नओवर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कंसिडर कर सकते हैं, वर्टिकल एनालिसिस जिसमें इन्वेंटरी टू टोटल असेट्स कंसिडर कर सकते हैं और बजटरी वर्सेज एक्चुअल को कंसिडर कर सकते हैं। ये भी आपको अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Examine non-financial information related to inventory such as weights and other measurements. Weights और other measurement के उस हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग units हो सकते हैं inventory के, कुछ चीजें numbers में होगी, kgs में हो सकती है, liter में, meter में, वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, तो वो सब कुछ weight measurement भी हमें consider करना है ताकि completely सारी ही inventory record हो वो हमें पता चले। Perform purchase and sales cutoff test, ट्रस्ट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, बिल्स ऑफ लेडिंग एंड रिसीविंग रिपोर्ट्स, वेयरहाउस रिकॉर्ड्स एंड इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर ईयर एंड। ये जब हमने परचेस और सेल्स के प्रोसीजर समझी थी कट ऑफ रिलेटेड राइट, उसमें भी था कि कट ऑफ के लिए हमें देखना होगा कि लास्ट फ्यू ट्रांजेक्शन है वो ईयर एंड के आसपास जो ट्रांजेक्शन है वो हम इन डिटेल चेक करेंगे ताकि उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। मतलब कि इस साल की परचेस या इस साल का सेल्स है वो नेक्स्ट ईयर में ना हो, नेक्स्ट ईयर का परचेस या सेल्स इस साल में रिकॉर्ड ना हो। परचेस और सेल्स की जो कट ऑफ प्रोसीजर है उसकी इफेक्ट इन्वेंटरी पर भी आएगी, क्योंकि अगर परचेस या सेल्स वो नेक्स्ट ईयर का इस साल में रिकॉर्ड कर दिया तो हो सकता है कि इन्वेंटरी की इफेक्ट, इन्वेंटरी की मूवमेंट में भी वो इफेक्ट आएगी। जो एक्चुअल में इन्वेंटरी फिजिकली मूव नहीं हुई है इस साल में राइट, बट वो ऑन पेपर हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है इसीलिए हमें कट ऑफ प्रोसीजर करनी जरूरी होगी। हमें ईयर एंड के आसपास के ट्रांजेक्शन देखने होंगे, 5-10 फ्यू ट्रांजेक्शन, एक हफ्ते का, 5 दिन का, वो देख सकते हैं राइट कि वो ट्रांजेक्शंस इस साल के है या नहीं, वो हमें देखना होगा राइट। उसके लिए जो नेसेसरी सारे ही डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे ही हम देखेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू टेक्ड इन्वेंटरी, परफॉर्म टेस्ट और ओमिटेड ट्रांजेक्शंस एंड टेस्ट फॉर इनवैलिड ट्रांजेक्शन। जो भी टेक्ड इन्वेंटरी है उसके लिए हमें टेस्ट काउंट्स करना होगा और ओमिट, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है वो ओमिट किया गया है, कुछ भी ट्रांजेक्शन है वो इनवैलिड है, तो वो क्यों हुआ है वो सारी चीजें हम इंक्वायरी करेंगे, वो हम प्रॉपरली देखेंगे। वेरीफाई द क्लियर क्लेरिकल एंड अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंटरी लिस्टिंग्स। जो भी इन्वेंटरी है उसमें क्लेरिकल मिस्टेक्स है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं, वो सारी चीजें हमें देखनी होगी कि उसमें जो दिखाया हुआ है वो प्रॉपर है या नहीं। जितनी भी इन्वेंटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होनी चाहिए वो प्रॉपरली हो चुकी है या नहीं, वो हमें देखना होगा। रिकंसाइल फिजिकल इन्वेंटरी अमाउंट्स विद परपेचुअल रिकॉर्ड्स। फिजिकली जो इन्वेंटरी है और जो परपेचुअल रिकॉर्ड्स है उन दोनों को रिकंसाइल करना होगा, मैच करना होगा, ताकि अगर दोनों में डिफरेंस है तो वो पता चल पाएगा और अगर उसकी इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देने की जरूरत है तो वो भी दे पाएंगे। देन रिकंसाइल फिजिकल काउंट्स विद
जनरल लेजर कंट्रोल टोटल्स, जनरल लेजर कंट्रोल टोटल्स जो होते हैं अकाउंटिंग में जो होता है उसके साथ फिजिकल वेरिफिकेशन के अकाउंट को मैच करेंगे. Reconcile inventories which belong to client but are held with third parties like transporters, warehouses, port authorities, etc. अगर कोई inventories third parties के पास है पर entity की ownership है तो वो properly books of accounts में financial statement में reflect होती है या नहीं वो देखना होगा. Complete तभी inventory का idea आएगा, right? Goods received on consignment basis have been properly segregated from other items of inventory. अगर कोई भी गुड्स कंसाइनमेंट बेसिस पर एंटिटी ने रिसीव किए हैं तो वो एंटिटी की ओनरशिप नहीं है, एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, तो वो अलग दिखाने चाहिए, सेग्रीगेट करने जरूरी हो जाएंगे, राइट. तो ये था कंप्लीटनेस के बारे में. सबसे पहले हमें एनालिटिकल प्रोसीजर करने के बारे में बोला है जिसमें हम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है, वर्टिकल एनालिसिस, इन्वेंटरी टू टोटल एसेट्स कर सकते हैं, बजटरी एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्चुअल हम कंपेयर कर सकते हैं. फिर हमें दिया था कि नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि मेजरमेंट है, वेट्स है, वो हमें कंसिडर करना होगा. फिर हमें कट ऑफ प्रोसीजर करनी है फॉर परचेज एज वेल एज सेल्स, ताकि जो इन्वेंटरी है वो प्रॉपर है, इसी पीरियड की है वो पता चलेगा. फिर हमें बताया है कि जो टेक्ड इन्वेंटरी है और उसमें अगर कुछ भी ओमिशन हुआ है, कुछ भी इनवैलिड ट्रांजेक्शन है, तो उसे कंसिडर करना होगा. क्लेरिकल और एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को हमें चेक करना होगा ताकि कंप्लीट इन्वेंटरी का पिक्चर रिफ्लेक्ट हो, ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट ना हो. फिर हमें रिकनसाइल करना है फिजिकल इन्वेंटरी अकाउंट विथ परपेचुअल रिकॉर्ड्स एज वेल एज फिजिकल अकाउंट्स विथ जनरल लेजर कंट्रोल, राइट. तो उनको हमें रिकनसाइल करना है, उसमें डिफरेंसेस है तो वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. और फिर रिकनसाइल करना है इन्वेंटरी जो थर्ड पार्टीज के पास है उसे भी कंसिडर किया जाएगा. एंड जो गुड्स है वो कंसाइनमेंट बेसिस पर रिसीव हुआ है, मतलब कि ओनरशिप है वो एंटिटी की नहीं है, तो उसको अलग होना चाहिए, वो सेग्रीगेट किए जाने चाहिए, राइट. तो ये कंप्लीटनेस के बारे में है. अब देखते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. द एंटिटी हैज वैलिड लीगल ओनरशिप राइट्स ओवर द इन्वेंटरीज क्लेम्ड टू बी हेल्ड बाय द एंटिटी एंड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो भी इन्वेंटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हुई है उसका लीगल राइट है वो एंटिटी के पास ही होना चाहिए. वाउच रिकॉर्डेड परचेस टू अंडरलाइंग डॉक्यूमेंटेशन, परचेस रिक्विजिशन, परचेस ऑर्डर, रिसीविंग रिपोर्ट्स, वेंडर इनवॉइसेस एंड कैंसल्ड चेक और पेमेंट फाइल. जो परचेस किया गया है वो गुड्स एंटिटी के नाम पर ही है, सारे ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे तो पता चलेगा कि जो इन्वेंटरी है वो एंटिटी की ही है. ये हम जनरली परचेस देखेंगे तभी हो जाएगा कि जो भी परचेस के इन्वॉइसेस या डॉक्यूमेंट्स है वो एंटिटी के नाम पर ही है, राइट. परचेस अगर अकर हुई है एक्चुअल में तो उसके इन्वेंटरी का राइट्स भी एंटिटी का ही होगा. इवेल्युएट द कंसाइंड गुड्स, कंसाइनमेंट पर दिए हुए गुड्स जो है, राइट, वो प्रॉपर है, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए है, उसकी जो ओनरशिप है वो एंटिटी के पास रहेगी. एग्जामिन क्लाइंट कोरेस्पोंडेंस, सेल्स एंड रिसीवेबल रिकॉर्ड्स, परचेस डॉक्यूमेंट्स. कस्टमर्स के को सेल किया है, राइट, तो वो उसके भी डॉक्यूमेंट्स हम वेरीफाई करेंगे ताकि पता चले कि एक्चुअल में वो गुड्स चले गए हैं, वो अब एंटिटी के ओनरशिप नहीं है. डिटरमाइन एक्जिस्टेंस ऑफ कोलैटरल एग्रीमेंट्स, अगर कोई भी इन्वेंटरी के ऊपर इन्वेंटरी को एज ए कोलैटरल रखा है और उसके ऊपर लोन ली गई है तो उसके डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करना होंगे, उसकी पोजिशन ओनरशिप किस तरह से वो हमें समझना होगा. रिव्यू कंसाइनमेंट एग्रीमेंट्स, कंसाइनमेंट के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो हमें देखने होंगे ताकि इन डिटेल पता चलेगा कि किस तरह से सेलिंग वगैरह, किस तरह से ओनरशिप पास ऑन होती है. रिव्यू मटेरियल परचेस कमिटमेंट एग्रीमेंट, मटेरियल परचेस कमिटमेंट एग्रीमेंट किस तरह से किया है, परचेस का ओनरशिप कब ट्रांसफर किया जाएगा एंटिटी को वो हमें समझना होगा. ये हमने परचेस में भी इन डिटेल समझा था, FOB CIF है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पास ऑन होंगे तब एंटिटी के नाम पर परचेस किया जाएगा, वो एंटिटी के परचेस में दिखाया जाएगा. वैसे ही मटेरियल परचेस कमिटमेंट एग्रीमेंट्स है तो एग्रीमेंट से पता चलेगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब पास ऑन हो गया. Examine invoices for evidence of ownership, that is the invoices shall be in the name of the client. हमें inventory जो भी है उसकी ownership देखनी है तो उसके लिए जो invoices है वो generally हमने purchase में देखा, उसी तरीके से कि purchase के जो documents है वो entity के नाम पर है तो पता चल जाएगा कि इसकी ownership है वो entity की ही है. Auditor shall obtain confirmation for significant items of inventory. अगर कोई भी inventory है वो third party के पास है तो उसके लिए हम confirmation ले सकते हैं ताकि पता चले कि वो inventory exist करती है और उसकी ownership है वो entity की ही है. For instance of inventory held by third party, the auditor should insist on obtaining declaration from third party on its business letterhead and signed by the authorized personnel of the third party confirming that the items of inventory belong to the entity and are being held by such third party on behalf of the
एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटिटी अंडर ऑडिट, राइट। जो कंफर्मेशन की बात है तो वो लेटर हेड, थर्ड पार्टी के लेटर हेड पर लिखवाया जाएगा कि जो थर्ड पार्टी है वो एंटिटी की इन्वेंटरी हेल्ड करती है और वो एंटिटी के बेनिफिट के लिए ही यूज कर रहे हैं, राइट, या फिर उसके ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी है, राइट। तो ये राइट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हमें दिए हैं। परचेज में हम देखेंगे, परचेज देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये इन्वेंटरी है वो एंटिटी के नाम पर ही है, राइट। तो ये जो पॉइंट है, फिर यहाँ पर इनवॉइसेस देखने की बात आई, तो ये दोनों रिलेटेबल पॉइंट्स है, राइट। फिर हमें इवन ये भी था कि मटेरियल परचेस का एग्रीमेंट देखेंगे तो भी पता चलेगा कि इन्वेंटरी का जो राइट्स है वो एंटिटी का ही है। फिर कंसाइंड गुड्स के बारे में, कंसाइंड गुड्स को इवेल्यूएट करना है ताकि इसके ओनरशिप के बारे में पता चले, और यहाँ पर रिव्यू कंसाइनमेंट एग्रीमेंट के बारे में भी बताया है, तो वो दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। फिर क्लाइंट कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह, तो ये सेल्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमें वेरीफाई करने हैं, और कोलेटरल एग्रीमेंट्स है अगर बोरोविंग्स लिया है तो उसके बारे में है। और फिर यहाँ पर ये दोनों है वो कंफर्मेशन है रिगार्डिंग अगर थर्ड पार्टी के पास अगर कोई भी गुड्स है तो उसके लिए है, इन्वेंटरी एंटिटी की है बट उसके जो पोजिशन है वो थर्ड पार्टी के पास है तो कन्फर्मेशन ले सकते, राइट। तो ये राइट्स के बारे में था। अब लास्ट रिसर्सन जो है वैल्यूएशन के रिगार्डिंग वो देखते हैं। इन्वेंटरीज हैव बीन वैल्यूड अप्रोप्रिएटली एंड एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, उसका वैल्यूएशन प्रॉपर हुआ है या नहीं वो हम देखेंगे। सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन हाउ द बिजनेस ऑपरेट्स द मैनेजमेंट मे वैल्यू इन्वेंटरी यूजिंग फीफो और वेटेड एवरेज बेसिस, कंसिडर द रीजनेबलनेस ऑफ द मेथड एडॉप्टेड। जो भी इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करनी है वो फीफो बेसिस पर या फिर वेटेड एवरेज बेसिस पर हो सकती है, ये एस टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज के बेसिस पर अलाउड है। तो जो फीफो या वेटेड एवरेज अप्रोप्रिएट है या नहीं वो हमें देखना होगा। फॉर रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल्स, राइट। अब यहाँ पर ये जो चार पॉइंट्स है वो रॉ मटेरियल्स और कंज्यूमेबल्स का वैल्यूएशन प्रॉपर है या नहीं उसी के लिए दिए हुए है। आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स का अगर वैल्यूएशन चेक करना है तो आप क्या ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, तो आपको ये चार पॉइंट्स ही लिखने होंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो उसके लिए है एसर्टेन व्हाट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड, फॉर एग्जांपल कैरिज इनवर्ड्स, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एटसेट्रा। जो भी रॉ मटेरियल की वैल्यू जो दिखाई है एज इन्वेंटरी, राइट, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है वो एड किए गए हैं। परचेस प्राइस होगी, कैरिज इनवर्ड्स होगा, फ्रेट है, राइट, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, वो सारी चीजें ऐड की जाएगी। तो वो प्रॉपर है या नहीं एज पर एस टू है या नहीं वो हमें देखना होगा। अपने एस टू में या फिर सीए फाउंडेशन में जो इन्वेंटरी का चैप्टर आता था उसमें आपने समझा होगा कि क्या क्या कॉस्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है वो ऐड किए जाएंगे इन्वेंटरी वैल्यूएशन में, तो उसको कंसिडर करना होगा कि वो प्रॉपर है या नहीं। देन इफ स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज, इंक्वायर इन टू बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स हाउ दिस आर कंपेयर्ड विद एक्चुअल कॉस्ट and how variances are analyzed and accounted for, test treated in accounting records. अगर standard cost का use किया जा रहा है, मतलब कि जहाँ पर जो भी raw material है उसकी जो value है उसमें बहुत ज़्यादा fluctuation होता है, every time वो purchase करते हैं हर बार अलग value उनकी रहती है, तो उसमें standard cost use किया जा सकता है। तो वो जो standard cost use किया है तो वो standards बराबर है या नहीं वो हमें देखना होगा, वो proper है या नहीं वो हमें analyze करना होगा, तभी उसका वैल्यूएशन प्रॉपर हो पाएगा। टेस्ट चेक कॉस्ट प्राइसेस यूज्ड विद परचेस इनवॉइसेस रिसीव्ड इन द मंथ्स और प्रायर टू काउंटिंग, हमें कॉस्ट प्राइस है वो चेक करनी होगी मंथ में जो लास्ट में जो भी परचेस हुई है, तो उसके लिए परचेस इनवॉइसेस हम चेक कर सकते हैं और उसमें से रेट हमें पता चल जाएंगे। एंड फॉलो अप वैल्यूएशन ऑफ ऑल डैमेज्ड और ऑब्सोलेट इन्वेंटरीज नोटेड ड्यूरिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ फिजिकल काउंटिंग विद व्यू ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ रियलिस्टिक नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और जो भी रॉ मटेरियल है, राइट, उसकी ऑब्सोलेट हो चुकी है वो आइटम, फिजिकली जब हमने वेरिफिकेशन किया तब पता चला कि ये ऑब्सोलेट आइटम हो चुकी है, तो वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर ही दिखानी जरूरी होगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट है वो जनरली उतनी मार्केट वैल्यू नहीं होगी, रियलाइजेबल वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, तो वो एनआरवी पर ही सो होना चाहिए। तो ये रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स का वैल्यूएशन चेक करने के लिए हमें पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहला था कॉस्ट एलिमेंट्स है वो प्रॉपर है या नहीं एज पर एस टू है या नहीं वो हम देखेंगे। सेकंड, हम अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज करते हैं जो एंटिटी है वो, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड बेस जो है वो बराबर है या नहीं, वेरियंसेस एनालिसिस वगैरह हमें चेक करने होंगे। फिर टेस्ट चेक करना होगा कॉस्ट प्राइस को, जो परचेज इनवॉइसेस है उसमें से हमें रेट्स वेरीफाई करने होंगे कि वो प्रॉपर है या नहीं। एंड लास्ट, जो वैल्यूएशन है डैमेज्ड या फिर ऑब्सोलेट आइटम्स है उनका, तो वो एनआरवी पर हुआ है या नहीं वो हमें देखना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एज ए क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं।
फिर वैसे ही दिया हुआ है WIP वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, ascertain how the various stages of production or value additions are measured and in case estimates are made understand the basis for such estimates. वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो इन प्रोसेस है तो उसमें कौन से स्टेज में है, क्योंकि वो स्टेज के हिसाब से उनकी कॉस्ट है वो पता चलेगी, राइट. उसमें कितना रॉ मटेरियल, लेबर या फिर ओवरहेड्स है वो एड कर दिया, तो वो कौन से स्टेज के ऊपर है उससे उनका वैल्यूएशन अफेक्ट होगा, तो वो कौन से स्टेज पर है वो डिटरमाइन करना जरूरी है. ascertain what elements of cost are included. If overheads are included, ascertain the basis on which they are included and compare such basis with the available costing and financial data or information maintained by the entity. वो जिस भी स्टेज पर है उस हिसाब से एलिमेंट ऑफ कॉस्ट उसमें कंसिडर किए जाएंगे. एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स हो सकते हैं. अपने प्रोसेस कॉस्टिंग वाला चैप्टर कॉस्टिंग में पढ़ा होगा तो उसमें भी ये चीज आती है कि वो कौन सा स्टेज पर है, तो 40% 60% कंप्लीशन वो वाली चीज आपको क्वेश्चन में दे देते हैं, राइट. तो वो चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी कि कितना परसेंटेज है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें कितने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एड हो चुके हैं उसको कंसिडर करना होगा. ओवरहेड्स अगर उसमें है तो ओवरहेड्स का बेस बराबर है या नहीं वो हम देखेंगे, वो प्रॉपर है या नहीं वो हम देखेंगे, उसी के बेसिस पर WIP का वैल्यूएशन प्रॉपर मिलेगा. एंश्योर दैट मटेरियल कॉस्ट एक्सक्लूड एनी एबनॉर्मल वेस्टेज और वेस्टेज एंड वेस्टेज फैक्टर्स. अगर रॉ मटेरियल में कुछ भी एबनॉर्मल कॉस्ट हुआ है, एबनॉर्मल वेस्टेजेस हुआ है, तो वो मटेरियल का कॉस्ट WIP में एड नहीं होगा, बट एक्चुअली वो अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ लॉस किया जाएगा, राइट. तो ये भी हमें देखना होगा. तो ये वर्क इन प्रोग्रेस के लिए तीन पॉइंट्स हमें दिए हैं कि सबसे पहले तो वो वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है तो वो कहाँ पर है वो हमें देखना है. सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड किए हैं वो हमें देखना है, और वेस्टेज एबनॉर्मल वेस्टेजेस है तो वो एक्सक्लूड होना चाहिए. ओल्ड कोर्स में एक बार ये WIP का वैल्यूएशन किस तरह से हम चेक करेंगे वो क्वेश्चन पूछा हुआ है. 3.3 marks, राइट. फिर फिनिश्ड गुड्स के लिए, फॉर फिनिश्ड गुड्स एंड गुड्स फॉर रीसेल. फिनिश गुड्स या फिर गुड्स फॉर रीसेल है तो उसका हम किस तरह से ऑडिट करेंगे, उसका वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे. इंक्वायर एज टू व्हाट कॉस्ट आर इंक्लूडेड, हाउ दिस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड एंश्योर दैट द ओवरहेड्स इंक्लूडेड हैव बीन डिटरमाइंड बेस्ड ऑन नॉर्मल कॉस्ट एंड अपीयर रीजनेबल इन रिलेशन टू द इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिनिश गुड्स जो भी है, जो सेल करने के लिए गुड्स है, तो उसके वैल्यूएशन के लिए क्या क्या कॉस्ट ऑफ एलिमेंट है वो यूज किए गए हैं, ओवरहेड्स वगैरह है तो वो बेस बराबर होना चाहिए. जनरली इन्वेंटरी के जो वैल्यूएशन है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है वो एड नहीं किया जाता, तो वो एक्सक्लूड होने ही चाहिए. जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है प्रोडक्शन रिलेटेड है वही फिनिश गुड्स के कॉस्ट एलिमेंट में एड होने चाहिए, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉपरली डिस्क्लोज हुआ है या नहीं वो हमें देखना होगा. Ensure that inventories are valued at net realizable value if they are likely to fetch a value lower than their cost. Finished goods है, अगर ऐसा लग रहा है कि वो cost से कम value fetch करेंगे तो उसको net realizable value पर ही valuation होना चाहिए, disclose होना चाहिए. For any such items, also verify if the relevant semi or partly processed inventories, work in progress and raw materials have also been written down. और अगर जो फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर वैल्यूएशन होती है तो ये ध्यान रखना है, तो WIP और जो रॉ मटेरियल है उसकी भी वैल्यू शायद रिड्यूस हो जाएगी, उसको भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना चाहिए. तो हमें वो भी देखना होगा कि अगर फिनिश गुड्स है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड होते हैं तो क्या उसकी इम्पैक्ट उस वजह से सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल को भी अगर हमें रिड्यूस करने की जरूरत है तो वो किया हुआ है या नहीं वो हमें देखना होगा. तो यहाँ पर ये फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन के लिए हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, एक तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या है वो प्रॉपर है या नहीं वो देखेंगे, एंड सेकंड अगर फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है वो NRV पर बुक करने की जरूरत है तो वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं, और उसकी इम्पैक्ट सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल पर आती है तो वो भी हमें देखना होगा, राइट. ये भी आपको अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फिर है फॉलो अप फॉर आइटम्स दैट आर ऑब्सोलेट, डैमेज्ड, स्लो मूविंग एंड असर्टेन द पॉसिबल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सच आइटम्स. जो भी नॉन मूविंग, स्लो मूविंग, ऑब्सोलेट आइटम है तो वो जनरली कॉस्ट वैल्यू है उनसे रिड्यूस हो जाएगी, उसकी वैल्यू है वो राइट ऑफ करनी पड़ेगी, तो वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं वो हमें देखना होगा. केयरफुली एग्जामिन द वैल्यूएशन ऑफ ऑब्सोलेट एंड डैमेज्ड इन्वेंटरी फॉर द पर्पस रिक्वेस्ट द क्लाइंट टू प्रोवाइड इन्वेंटरी एजिंग स्प्लिट एंड फॉलो अप फॉर एनी इन्वेंटरीज विच एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ फिजिकल काउंटिंग वर नोटेड एज बीइंग डैमेज्ड और ऑब्सोलेट. ऑब्सोलेट या स्लो मूविंग या नॉन मूविंग कंफर्म करने के लिए हम एजिंग मंगवा सकते हैं कि ये जो इन्वेंटरी है वो कब से हेल्ड है,
वो जितनी पुरानी होगी वो स्लो मूविंग नॉन मूविंग या ऑब्सोलेट आइटम कंसिडर की जाएगी और उसकी वैल्यू है वो राइट ऑफ करनी जरूरी होगी। कंपेयर रिकॉर्डेड कॉस्ट विथ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हमें ये भी ध्यान में रखना है जब भी वैल्यूएशन करेंगे कि जो रिकॉर्डेड कॉस्ट है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर कम है तो उस हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा। एग्जामिन वेंडर प्राइस लिस्ट टू डिटरमाइन इफ रिकॉर्डेड कॉस्ट इज लेस देन द करंट प्राइस, जो रिकॉर्डेड कॉस्ट है वो करंट प्राइस से अगर कम है तो वो भी हमें कंसिडर करना है, प्राइस लिस्ट चेक करना होगा। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ऑब्सोलेट इन्वेंट्री मे बी रिफिल्ड इफ रेशियो इज सिग्निफिकेंटली लोअर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है वो हमें देखना होगा, उससे हमें ऑब्सोलेट आइटम्स के बारे में भी पता चलेगा। इन मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट्स टेस्ट ओवरहेड्स एलोकेशन रेट्स एंड एंश्योर दैट ओनली डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड ओवरहेड हैव बीन इंक्लूडेड। मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट है तो ओवरहेड एलोकेशन रेट्स प्रॉपर है या नहीं, और डायरेक्ट कॉस्ट है वो ही ऐड होने चाहिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स ही ऐड होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड नहीं होने चाहिए। वेरीफाई द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू प्रिंसिपल्स, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन के लिए प्रिंसिपल यूज किया जाता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं, प्रॉपरली वो यूज हो रहा है या नहीं, वो हमें देखना होगा। राइट, तो ये काफी सिंपल पॉइंट्स है रिगार्डिंग वैल्यूएशन, वो हमें कंसिडर करने होंगे। और अब हमें यहाँ पर डिस्क्लोजर के बारे में दिया है, वेदर इन्वेंट्री हैज बीन क्लासिफाइड एज, हमें वो चेक करना होगा। इन्वेंट्री वो आइटम जो है वो बैलेंस शीट में तो सिर्फ एक ही आइटम दिखाई जाएगी, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें चेंजेस इन इन्वेंट्री या फिर कंजम्पशन ऑफ द गुड्स है वो दिखाया जाएगा, तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है या नहीं वो हमें देखना होगा। बट नोट्स टू अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन प्रॉपरली होगा, जिसमें इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन है वो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग जो सीधा सेल ही करने वाले हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, अदर्स, स्पेसिफाई द नेचर, वो मेंशन किया जाएगा। वेदर गुड्स इन ट्रांजिट हैव बीन डिस्क्लोज्ड सेपरेटली अंडर ईच सब हेड ऑफ इन्वेंटरीज, राइट, जहां पर भी रॉ मटेरियल्स है या स्टॉक इन ट्रेड वगैरह जो भी है, तो वो अगर गुड्स इन ट्रांजिट है तो वो सेपरेटली डिस्क्लोज किया हुआ होना चाहिए। गुड्स इन ट्रांजिट तभी इन्वेंटरी का पार्ट होगा अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड से वो एंटिटी को पास ऑन हो चुके हैं, या फिर अभी तक अगर ये सेल का सिनारियो है तो सेल में अभी तक कस्टमर जो है एंटिटी के जिसका ऑडिट हम कर रहे हैं उनके जो कस्टमर्स है उनको रिस्क एंड रिवॉर्ड पास ऑन नहीं हुए, तो वही गुड्स इन ट्रांजिट है वो एंटिटी के इन्वेंटरी में दिखाई हुए होने चाहिए। मोड ऑफ वैल्यूएशन शैल बी स्टेटेड एस टू के हिसाब से कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, और जो मेथड अप्लाई करते हैं वो मेंशन करना जरूरी है। तो ये डिस्क्लोजर के बारे में था, क्लासिफिकेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट प्रॉपरली सेपरेटली दिखाया है या नहीं, और मोड ऑफ वैल्यूएशन प्रॉपरली दिखाया या नहीं वो हमें देखना होगा। तो ये इन्वेंटरी का ऑडिट था, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। राइट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएगी ऑडिट की सारी, राइट, वो इन डिटेल आपको है और वो रिवीजन के लिए आपको हेल्पफुल हो सकती है। राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का ऑडिट कैसे करेंगे वो हम समझने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।